दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उन्हें अवश्य देखें। साथ ही वीडियो की शुरुआत में आपसे निवेदन है कि हमारे दूसरे चैनल ग्रामीण गुजरात को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग प्रदान करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद। नारेश्वर के पास पालेज गांव में एक मुस्लिम किसान रहते थे जिनका नाम था हसन चाचा। हसन चाचा की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर थी, मतलब कि अक्सर अपने हाथों से रखी हुई चीज को भूल जाया करते थे, और उनकी इसी कमज़ोरी की वजह से उन्हें एक बार बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि उस वर्ष उनके खेतों में कपास की पैदावार भरपूर मात्रा में हुई। पैदावार की कीमत के 2200 रुपये व्यापारी उनके घर देने पहुंचा। उस वक्त हसन चाचा और उनके पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे। व्यापारी के द्वारा दी गई रकम हसन चाचा ने कपड़े में लपेटकर पिटारे में रख दी। मगर थोड़ी देर बाद जब पड़ोसी वहां से चले गए तो हसन चाचा ने यह सोचकर कि पिटारे में रखी रकम को पड़ोसी ने देख लिया है, इसीलिए चोरी ना हो इस उद्देश्य से पैसे पिटारे से निकालकर दूसरी जगह पर रखना ही हितावह समझा, क्योंकि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 2200 रुपये की रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। इसीलिए हसन चाचा ने पैसे पिटारे से निकालकर बिस्तर के ढेर के नीचे रख दिए। कुछ दिनों बाद एक दुकानदार अपनी उधारी के पैसे लेने हसन चाचा के घर पाया। हसन चाचा ने दुकानदार को पैसे चुकाने हेतु पिटारा खोलकर देखा, क्योंकि पिटारे से पैसे निकालकर बिस्तर के नीचे रखे जाने वाली बात हसन चाचा भूल गए थे। पिटारे में पैसे ना देख हसन चाचा की धड़कनें सामान्य से कई गुना बढ़ गई। उन्होंने बहुत तलाशा, मगर जो था ही नहीं वो मिलेगा कैसे। हसन चाचा और उनकी पत्नी ने यह मान लिया कि उनका पैसा चोरी हो गया है। अब पूरे साल क्या खाएंगे और उधारी कैसे चुकाएंगे, यही सोचकर हसन चाचा की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बीमार पड़ गए। एक दिन लिलोड़ गांव के एक पटेल, जो कि हसन चाचा के मित्र भी थे, वह किसी कार्य से हसन चाचा के घर गए। हसन चाचा की हालत देख उन्होंने उनसे इस हालत की वजह पूछी। हसन चाचा ने समूसा किच्चा कहा और फूट फूट कर रोने लगे। पटेल सज्जन ने उन्हें सांत्वना दी और अपने साथ उन्हें नारेश्वरसरी रंग अवधूत महाराज के पास चलने को कहा। हसन चाचा को लेकर पटेल नारेश्वर पहुंचे। औपचारिक बातचीतों के बाद पटेल ने हसन चाचा की आप बीती बाबजी को बताई। कुछ क्षण हसन चाचा की तरफ देखकर बाबजी मुस्कराए और पटेल की तरफ देखकर बोले, ऐसा है पटेल कि अक्सर गांवों के लोग अपनी जमा पूंजी बिस्तर के नीचे भी रख देते हैं, शायद तुम्हारे मित्र ने भी ऐसा ही किया हो। इतना सुनते ही हसन चाचा जोर जोर से चिल्ला उठे, मिल गया मिल गया, मेरा पैसा मिल गया बाबजी, और बाबजी के शरणों में लौट पड़ा। एक बार श्री रंग अवधूत महाराज और उनके मित्र रतनलाल, जिन्हें बाबजी महात्मा के नाम से संबोधित करते थे, माँ नर्मदा के तट पर विहार करते करते बातों ही बातों में बहुत दूर निकल गए और अरण्येश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंच गए। एकांत और शांत वातावरण, साथ ही कल कल करती माँ रेवा का सानिध्य, एक साधु को और क्या चाहिए। कुछ देर विश्राम के बाद बाबजी रतनलाल जी से बोले, महात्मा जी, कुछ दिन यही रुकने का विचार है। मंदिर के सामने ही एक पक्की परसाल बनी हुई थी, वहीं पर रतनलाल जी ने आसन लगा दिए। वहां से थोड़ी दूरी पर टिटोदरा गांव दिखाई दे रहा था। टिटोदरा गांव में बाबजी के एक भक्त महीजी भगत भी रहते थे। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि गुरुदेव उनके गांव में पधारे हैं, तो वह भागते भागते मंदिर पहुंचे और हाथ जोड़कर बाबजी से उनके घर पधारने का आग्रह करने लगे। बाबजी ने महीजी भगत के
अति आग्रह पर उन्हें यह कहकर समझाया कि मुझे यहाँ कुछ दिन अनुष्ठान करना है, उसके बाद तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। जिस पर महीजी भगत ने उनकी सेवा हेतु वही रुकने की आज्ञा मांगी और रतनलाल जी के साथ मिलकर छोटे छोटे कार्य में सहायता करने लगे। दो तीन दिन सकुशल बीते, मगर उसके बाद एक दिन अर्धरात्रि में अचानक से जोरदार आंधी तूफान चला और आसमान में काले घने बादल उमड़ कर आए। देखते ही देखते मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। रतनलाल जी और मईजी भगत जैसे तैसे करके परसाल से मंदिर पहुंचे और अंधेरे में आवाज लगाकर बाबजी को ढूंढने लगे, मगर मंदिर में उन्हें बाबजी कहीं दिखाई नहीं दिए। बाहर तेज बारिश के साथ भयानक आवाज के साथ हवाएं चल रही थी। आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गर्जना किसी का भी कलेजा कंपा देने के लिए काफी थी। ऐसे वातावरण में श्री रंग अवधूत महाराज मंदिर के बाहर पड़े एक शिला पर बैठ निजानंद में मस्त प्रकृति के इस रौद्र रूप का जैसे आनंद उठा रहे थे। बिजली की रोशनी में रतनलाल जी और मईजी भगत की नजर बाबजी पर पड़ी तो वह दोनों दौड़कर उनके पास पहुंचे और बाबजी को परसाल में चलने हेतु कहा, मगर उसी अवस्था में अवधूती मस्ती में मस्त बाबजी बोले, मुझे नहीं आना, तुम लोग मेरी चिंता किए बगैर जाकर सो जाओ, मुझे प्रकृति के इस तांडव का रसपान करने दो, मुझे परम शांति की अनुभूति हो रही है, और आकाश में ताकते रहे। पूरी रात जोरदार बारिश होती रही और प्रातः काल में थोड़ी कम हुई, मगर नर्मदा का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया था। तभी गांव के कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे और रतनलाल और मईजी भगत को ये जानकारी दी कि नर्मदा में बाढ़ आई है, किसी भी समय ये पूरा क्षेत्र जल में विलीन हो सकता है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से हमारे साथ सुरक्षित स्थल पर चलो। जब ये बात रतनलाल और मईजी भगत ने बाबजी को बताई तो हंसते हुए बेफिक्री से बाबजी बोले, महात्मा, जब बालक को डर लगता है तो वह अपनी माँ के आंचल में सूप जाता है, और तुम लोग मुझे मृत्यु का डर दिखाकर मेरी माँ नर्मदा का आंचल छोड़कर दूर जाने को कह रहे हो, माँ से भला कैसा डर, आने दो मैया के जल को, मुझे मैया से कुछ संवाद भी करना है। गांव वाले समझा कर चले गए। कुछ ही देर में माँ नर्मदा का पानी मंदिर तक पहुंच गया। फिर से एक बार रतनलाल जी ने बाबजी को समझाने का प्रयास किया और बोले, बाबजी, अभी भी समय है, हम यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं, बाद में संभव नहीं होगा। जिस पर रतनलाल की तरफ देखते हुए बाबजी सिर्फ इतना ही बोले, तुम्हें डर लग रहा है तो जरूर चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और श्री रंग अवधूत महाराज मंदिर में पद्मासन लगाकर बैठ गए। ठीक उनके पीछे उनके दोनों अनन्य भक्त भी मृत्यु का इंतजार करते उनके पीछे बैठ गए। कुछ ही क्षणों में उफान आया और हिल्लोरे मारता माँ नर्मदा का जल मंदिर में प्रवेश कर गया। तीनों महात्माओं के चारों तरफ सीने तक पानी आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी भी समय पानी उन्हें खींचकर माँ नर्मदा के प्रवाह में पहुंचा देगा। कुछ क्षण बाद बाबजी ने अपनी बंद आंखें खोली और माँ नर्मदा को प्रणाम कर जल को अपनी अंजलि में लेकर मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अंजलि का जल छोड़ दिया। जैसे ही बाबजी ने अंजलि का जल छोड़ा, एकाएक जल स्तर नीचे जाने लगा और देखते ही देखते माँ नर्मदा अपने मुख्य प्रवाह में बहने लगी। रतनलाल और महीजी भगत बाबजी के पैर पकड़ अपनी अल्प बुद्धि की क्षमा मांगने लगे कि उनके साथ समर्थ गुरु है और वे भयग्रस्त हो रहे थे। श्री रंग अवधूत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, नाहक चिंता कर रहे थे, ये तो मैंने इसकी परिक्रमा की थी, इसीलिए यह भी मेरी परिक्रमा करने आई थी।
ये माई कहाँ किसी का कर्जा अपने ऊपर रखती है। दोस्तों, माँ नर्मदा और उनके तट पर निवासरत तपस्वियों के ऐसे ही दुर्लभ प्रसंग आने वाले वीडियो में आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। नर्मदे हर।